टेस्ट में आपका स्वागत है मैं संदीप दगड़े क्या आपने नया प्रोडक्ट बनाया है और उसके ऊपर आपको ई टेस्ट करना है तो चलिए मेरे साथ बने रहिए हम करेंगे ई एम टेस्ट को वेरी वेरी इजी ई एम आई एम सी टेस्ट स्टॉक में फिर से आपका स्वागत है आज हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फास्ट ट्रांजि माइसेल्फ संदीप दगड़े ये जो टेस्ट है ये एक कमर्शियल टेस्ट है इसको इम्यूनिटी टेस्ट भी कहते हैं और इसका स्टैंडर्ड है ई एन सिक्स वन जीरो 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 डैश फोर डैश फोर और आई सी सिक्स वन जीरो 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 डैश फोर डैश फोर ई एफ टी यानी इलेक्ट्रिकल फास्ट ट्रांजिशन जनरेट होती है ड्यू टू सॉवरिंग आर्क बाय एसी मेन स्विच तो आप अभी देखेंगे कि ये जो एसी मेन स्विच होता है वो जब ऑन करते हैं तो उसमें से स्पार्क होता है और वो स्पार्क कैसे होता है वो हम अभी वीडियो में देखेंगे तो हमने देखा कि किस तरह स्विच से भी ई जनरेट होता है अब हम देखेंगे कि एफ टी ड्यू टू दर्क एट कॉन्टेक्ट ऑफ ऑर्डिरी रिले बाउंसिंग और रिले चैटरिंग जब रिले चैटर होता है बाउंस होता है तो वो किस तरह से नॉइज जनरेट करता है ट्रांजियंट जनरेट करता है बंस ऑफ ट्रांजियंट जनरेट करता है वह हम अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रिले के एक मेक सेटल टाइम और एक ब्रेक सेटल टाइम दिया हुआ है तो एक जो बिक रिले होता है जब वो सेटल होता है मैक सेटल होता है तो उसका ग्राफ आप बाजू में देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ पे बंच ऑफ पल्सेस आई है ट्रांजियंस बिकॉज ऑफ दैट स्विचिंग वो ट्रांजियंस क्रिएट हुई है जो मैक सेटल टाइम है 28.5 मिलीसेकंड मिली सेकेंड का है और उसमें वो ट्रांजियस जनरेट हुई है अभी उसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे ही वो ब्रेक होता है तो उसका सेटल टाइम होता है 23.1 मिली सेकेंड और वो उस तरह दिखता है उसके बाद हम देखेंगे कि जब ट्रिगर बॉक्स में देखिए कैसे एनओ से एनसी में स्विच हो रहा है तो उसका मैक सेटल टाइम है 2.71 पॉइंट मिली सेकेंड और जब वो ब्रेक सेटल टाइम हो रहा है तो उसका है 840 फोर्टी माइक्रो सेकेंड और आप उसी में आगे देखते हैं कि किस तरह उसका पल्सेस आ रही है उसके बाद माइक्रो स्विच स्विच भी जब ब्रेक और मैक होता है तो उसका भी नॉइज जनरेट होता है वह है 1.44 और उसका ब्रेक सेटल टाइम है मिली सेकेंड तो यहाँ पे आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं अभी एक टॉगल स्विच जब करते हैं तो उसका देखो सेटल टाइम है 800 हंड्रेड माइक्रोसेकेंड और ब्रेक सेटल टाइम है 1.05 पॉइंट जीरो फाइव एक सिंगल स्विच भी किस तरह से ट्रांजिएंट जनरेट करता है ये यह आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते कि कॉन्टेक्ट बाउंस में किस तरह बिग रिले होगा तो वो 28.5 मिलीसेकंड का उस मेक सेटल टाइम होगा और ब्रेक सेटल टाइम 23.1 मिलीसेकंड है जैसे ट्रिगर बॉक्स है तो उसका 2.71 है और जो ब्रेक टाइम है 0.84 मिलीसेकंड है माइक्रो स्विच में 1.46 मिलीसेकंड का उसका मेक टाइम है और ब्रेक टाइम 1.63 पॉइंट सिक्स का है अब हम देखेंगे ई का टेस्ट सेटअप कैसे होता है तो यहां पे आप देख सकते हैं एक टेबल है उसके ऊपर मेटेलिक प्लेट लगी हुई है ठीक है तो वो मेटेलिक प्लेट जो होती है वो तुम्हारे ग्राउंड प्लेन से जीरो एट मीटर हाइट पे होती है और जो जनरेटर होता है जनरेटर से यूटी का डिस्टेंस जीरो फाइव मीटर होना चाहिए ठीक है और जो कैपेसिटिव क्लैम्प यहां पे दिखाया है देखो आईसी जो लिखा है वो कैपेसिटिव कपलिंग क्लैम्प है वो तुम्हारे जीआरपी के ऊपर रखा हुआ होता है और उसका भी जो डिस्टेंस होता है ईयूटी से वो 0.5 पॉइंट फाइव मीटर होना चाहिए और कैपेसिटी कपलिंग क्लैम जो है वो हम कम्युनिकेशन लाइन के लिए यूज करते हैं ठीक है ठीके? और जो सी होता है वो पावर लाइन के लिए यूज होता है तो यहाँ पे देखो ये जो सेटअप है ये एकदम क्लियरली दो, दोनों चीजें यहाँ पे बताई है कि पावर लाइन जो है वो सीडीएन थ्रू कनेक्ट होता है पॉइंट मीटर में और कैपेसिटी कपलिंग क्लैम वो कम्युनिकेशन के लिए है और तुम्हारा ईयूटी और ऑक्जिलरी इक्विपमेंट जो है वो जीरो पॉइंट वन मीटर अबोव द रेफरेंस प्लेन होता है ठीक है जो ई होती है उसको वो बस में होती है बस मतलब बंच ऑफ पल्सेस ठीक है

उसका जो पल्स विड्थ होती है वो 50 नैनो सेकेंड होती है ठीक है तो ये जो सिंगल पल्स है वो ऐसी दिखती है और इन सब को जब 15 मिली सेकेंड रिपीटेड किया जाता है तो तो वो बर्स बनती है बंच ऑफ पल्सेस बनती है और ऐसे जो बंच ऑफ पल्सेस है वो एवरी 30 थ्री हंड्रेड मिली सेकेंड के बाद रिपीटेड होती रहती है और उसका जो टेस्ट ड्यूरेशन होता है वो होता है वन मिनट ई हमें हर वो कपलिंग पे देना होता है जैसे सिंगल फेज प्रोडक्ट है तो आपको लाइन में देना है न्यूट्रल में देना है देन लाइन प्लस न्यूट्रल में देना है और तुम्हारा प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा तो लाइन न्यूट्रल लाइन प्लस न्यूट्रल लाइन प्लस अर्थ न्यूट्रल प्लस अर्थ एंड लाइन न्यूट्रल अर्थ ऐसे कपलिंग में आपको देना है और जैसे थ्री फेज होगा तो और पॉसिबल कपलिंग पॉसिबिलिटीज पे आपको सब ई देना होता है ठीक है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका पल्स सिंगल पल्स कैसे है ठीक है Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.